हरे कृष्णा आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि राधा कुंड के बारे में। ये राधा कुंड का जल है, आप देख सकते हैं। ये राधा कुंड का जो जल है ना, वो हमें रामसखा प्रभु ने हमें बताया है कि जो ये राधा कुंड का जो जल है ना, हमें थोड़ा से लेके सर पे लगा के हम पानी भी पी सकते हैं। हम पानी भी पी सकते हो सर पे। इसका मतलब ये आप ये समझ सकते हैं कि आपने राधा कुंड में स्नान किया है और ये आज शुभ अवसर है, ये दिन है राधा कुंड का। और अभी मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी मैं आपको खत्म करूंगी राधा कुंड के बारे में कि राधा कुंड क्या होता है। तो मैं अभी मैं आपको स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। राधा कुंड जो है ना, वो कृष्णा भगवान ने और जो बेल थी ना कृष्णा भगवान ने, उन्होंने बोला कि आज मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं उस बेल से युद्ध करूँगा। जो वो जो कृष्णा भगवान की जो सेवा करते थे ना, जो भक्त थे ना, वो उनको नहीं करने देता था। वो पापी था, वो राक्षस था। तब तो जो राधा कुंड जो थे, वो क्या कहते हैं, जो बेल थी, तब कृष्णा भगवान ने उन्होंने युद्ध किया। उसकी जो सिंह थी, उन्होंने घुमा घुमा के 10 किलोमीटर उन्होंने दूर फेंका। तब उसकी थोड़ी शक्ति बची थी, तब उन्होंने फिर उसको आया, फिर उन्होंने घुमा घुमा के यूँ 10 किलोमीटर वापस उन्होंने फेंक दिया। तब वो मर चुका था। तब कब राधा रानी ने कृष्णा भगवान को बोला कि अभी आप पापी हो, अभी आप 7 नदियों में जाओ और स्नान कर लो। जो कृष्णा भगवान जो थे ना, कृष्णा भगवान ने बोला कि मैं 7 नदियों में तो चला जाऊंगा, बट मैं ये जो अगर मैं जाता जाऊंगा तब तो बहुत समय हो जाएगा, इससे अच्छा मैं सबको यहाँ पर बुला लेता हूँ। उन्होंने बुलाया, फिर जो उनकी इड़ी थी ना, उन्होंने मिट्टी से यूँ खोद के फिर उन्होंने स्नान कर लिया। फिर जो राधा रानी ने भी कर लिया था। फिर जो गोपियाँ थी ना, कृष्णा ने गोपियों को बोला अभी आप भी स्नान कर लो। तो फिर कृष्णा भगवान ने, फिर गोपियों ने बोला कि हमने कहा उनको मारा है का, हमने उनको किया है का, कुछ किया है, हम तो सिर्फ खड़े होके देख रहे थे। तो कृष्णा भगवान ने कहा आप उनके राक्षस हो और आप उनके फेवियर हो और आप उनको साथ दे रहे हो, इसलिए आप अभी इसको। फिर उन्होंने स्नान किया, स्नान कंगन खोल के यूं मिट्टी से यूं कर रहे थे। तब कृष्णा भगवान ने, तो गोपियों ने कृष्णा भगवान से पूछा कि मैं आपके जल में क्या स्नान कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ, उन्होंने इजाज़त दी कृष्णा भगवान ने बोला हाँ इजाज़त है, आप कर लो। तो उन्होंने स्नान कर लिया। तो हरे के जय तुलसी महारानी की जय। और अभी मैं आपको बताती हूँ, कृष्ण भगवान के दर्शन भी कराऊंगी, जय श्रीला प्रभुपाद के दर्शन कराऊंगी, जितने भी गुरु उसके नेम है मैं आपको उनके भी दर्शन कराऊंगी, भक्ति राघव महाराज के भी कराऊंगी। चलो अभी हम करते हैं, ये भक्ति राघव महाराज है और ये सीता है, ये राम है, ये लक्ष्मण है और ये हनुमान है। हनुमान के सदैव दिल में ये सीता राम लक्ष्मण होती है। और अभी मैं आपको बताती हूँ कृष्णा के दर्शन करो। अभी हमने जितनी भी आपके मन में जो टेंशन होती है, सर दर्द होता है, पर बच्चों की पढ़ाई की टेंशन होती है, आप प्लीज़ आप उनको आँख बंद कीजिए, हाथ जोड़िए और अभी आप उसको पूरा मन जो है कृष्णा भगवान के लगा दीजिए। चलो करते हैं। और अभी ये जो है, ये शिला प्रभुपाद जी, देखिए आइए प्लीज। और ये यशोदा मैया है कृष्णा भगवान की। तब माखन में इसकी भी स्टोरी बताती थी, गोपियां हर हर माखन कृष्णा भगवान को इतना पसंद था। तब मैया बहुत कामों में फंसी थी, मैया उनकी बहुत कामों में पड़ी थी, तो कृष्णा भगवान को वो नहीं ध्यान दे रही। तब कृष्णा भगवान ने गोपे बलराम जो था वो उसका भाई था, और फिर उन्होंने जाया कि गोपियों के घर पे जाके मखान चुराया। फिर गोपियाँ आई यशोदा मैया को शिकायत
लगन। फिर उन्होंने एक वो होता है ना, वो उन्होंने यूज रस्सी से बांध बांध के फिर उन्होंने रस्सी वापिस छोटी होगी वापिस किया, वापिस छोटी होगी वापिस किया। उसी तरह इसकी यशोदा मैया और कृष्णा भगवान है, और ये है गौर नेता, ये गौर नेता है, और ये बलराम है, ये सुब्रता जी है, और ये जगन्नाथ भगवान है। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ ये नरसिम्हा भगवान है, ये गुरुदेव है, गुरु है, ये भी गुरु है, ये भी गुरु है। और आइए मैं आपको अभी बता दूँ यशोदा मैया भगवान के बारे में। प्रभुपाल जो है ये दुनिया में जितने आप टेम्पल देखते हो, भगवत गीता रीड कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, ये जो तुलसी महारानी की आप सेवा कर रहे हो, किस वजह से? ये सब प्रभुपाल की वजह से। इस दुनिया में अगर प्रभुपाल हैं तो हम हो जाए, अभी भी प्रभुपाल गौर में है बट हमारे साथ साथ चलते हैं और हमारे हृदय में सदा हमारे हृदय में रहते हैं। जैसे हनुमान जो है राम लक्ष्मण सीता उनके हृदय में रहती, वैसे प्रभुपाल हमारे हृदय में रहती। यूँ नहीं है कि हकीकत गॉड के पास चले गए, बट जो जय श्री प्रभुपाल है अभी भी हम जहाँ भी जाते रहते वो हमारे साथ ही होते। और जो और जय श्री प्रभुपाल की जय। और अभी मैं आपको अभी भी बताना चाहती हूँ, आप कीर्तन करते हो जो भी करते हो, वो लोग जो तब प्रभुपाल उस दुनिया में तब गाँव में वहाँ पर रहते थे, ऊपर रहते थे, तो जो भक्ति राघव महाराज, आइए मैं आपको भक्ति राघव महाराज, ये है भक्ति राघव महाराज, आइए प्लीज, ये भक्ति राघव महाराज है, तो गौर कीजिए और आगे प्रभुपाल। तब प्रभुपाल कीर्तन कर रहे थे आप बंद करके पलोटी मार के, तब तब कृष्णा भगवान जो चोर थे ना, कृष्ण भगवान को लेके जा रहे थे, क्या कर रहे थे? तो चोर थे ना कृष्णा भगवान को वो लेके जा रहे थे। तब जो मैंने अभी आपको बताया जय भक्ति राघव महाराज की जो जय भक्ति माधव राघव जय श्री प्रभुपाल भक्ति राघव महाराज को बोला कि जाओ चोर कृष्ण भगवान को लेके जा रहे, तुम उठा। तब उनकी एक टांग कट गई थी, चोर कृष्ण भगवान को बचाने के लिए तब उनकी टांग कट गई थी। तभी मैं आप सोचे होंगे कि उनकी टांग क्यों नहीं, इसी वजह से मैं आपको बोल रही थी। और ये है जय श्री प्रभुपाल जो नाम शाखा प्रभु से मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि जो बाबा करता है वो उनके बारे में सब बताते हैं। मैं यहाँ पर आती हूँ, सुनती हूँ सैटरडे संडे, बट स्कूल होता है क्या करूँ, लेकिन मैं सैटरडे संडे हर रोज़ आती हूँ। अब देखिए ये जो जितनी भी भगवद गीता है और ये सब राम शाखा प्रभु पढ़ते हैं, और ये सब गुरु के नीम्स आप देख सकते हैं। और आइए आइए मैं आपको मूवी भी दिखा देती हूँ, आइए। ये सारे ताबले हैं, देखिए ये सारे ताबले जो हैं कृष्णा भगवान के हैं, जो हम लोग उस पर कीर्तन करते हैं। फ्राइडे को क्लास होती है, आप प्लीज़ आइए करें। आइए मैं आपको किचन भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर फूड्स बनते हैं, यहाँ पर कृष्णा का फूड्स बनता है, उनके प्रसाद बनता है, ये सब कहाँ से आते हैं? ये किचन है, ये किचन में बनता है। और आइए मैं आपको अभी बता देती हूँ, राम शाखा प्रभु से आपको मैं मिलाती हूँ। ये भाई बार बार बोलने आता है, नहीं आता ये राम शाखा प्रभु है। आओ अभी हमने देखा ये राम शाखा प्रभु जो थे, ये राम शाखा प्रभु है, हमारे इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको